Hi, happy Diwali. So I am ready for Diwali. Hi everyone and welcome back to my channel. So happy Diwali. सबसे पहले आज मैं दिवाली का ब्लॉग बना रही हूँ. अभी बजे ना सुबह के 9:15, मैं 8:30 बजे उठी, फिर लेट गई, फिर उठी तो यही चल रहा कब से 45 मिनट्स का. तो मैं अब सोचा उठ ही जाती हूँ. तो हाँ, और आज बहुत काम करने हैं मेरे को, सफाइयाँ करनी है. सबसे पहले सफाइयाँ का काम है, फिर लाइक डीप क्लीनिंग तो कल कर चुकी है. ठीक है, कल की एकदम मज़ेदार वाली सफाइयाँ कर चुकी हैं. आज लाइक जो सिंपल झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह वही है. और अभी उठ के फिर लगती हूँ, रंगोली भी बनानी है. रंगोली बनाने में मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, 2.5-3 घंटे लग जाते हैं. तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं जल्दी लग जाऊँगी. ऐसे मैं लगती थी 3-4 बजे, फिर मैं 6-6:30 बजे तक वेली होती थी. तो हाँ, टाइम बताती हूँ. टाइम ये देखो 9:15. एक ट्रांजिशन बताऊँ, कपड़े मैंने डाल दिए हैं धूप में. तो अभी मैं नीचे जाऊंगी, ब्रश करूंगी, फिर देखती हूँ क्या करना. पहले खाना खाना है, सफाई करनी है. तो सफाइयाँ मैंने कर ली हैं और अब मैं खाना खाने लगी हूँ. क्या हुआ, हटाया? खाना खाने लगी हूँ मैं, बाद में नहा लूँगी. चलो. और हाँ, और दिवाली की डेकोरेशन मैं रात को बताऊंगी जब लाइट्स वगैरह जाएंगे, फिर तभी ढंग से पता चलेगी. अभी सुबह तो क्या ही पता चलेगा, ये लड़ियाँ शड़ियाँ दिखेंगी, लाइट्स वगैरह तो रात के दिखेंगे, तो रात को बताऊंगी. तो मैं नहाने जा रही हूँ, तो एक ट्रांजिशन मार ही लगती. तो मैंने नहा लिया और अभी टाइम हो रहा है 1:30. तो मैं फ़िलहाल मेरे रूम्स में लाइट्स लगाने लगी हूँ, क्योंकि कल रात को मैंने बाहर बरांडे में लगाई थी, बाहर गेट भी सजाया था, जो कि आप लोगों को मैं रात को दिखाऊंगी. मैं अभी थक गई, मैंने सोचा चल कल कर लूँगी. अपने रूम में मैं अभी लगाने लगी हूँ. मैं बताती हूँ मेरे पास कौन सी लाइट्स हैं. आई एम डन विद द लाइटनिंग. मैंने मेरे सारे रूम में लाइट्स लगा ली हैं. अब मेरा मन नहीं कर रही यार, क्या खड़खड़ लगा रखी है लोगों ने. हाँ, तो सारे रूम में मैंने लाइट्स लगा ली हैं. बहुत सुंदर लग रहा है, कितना खेती लग रहा है ये. अब मेरा मन नहीं कर रहा फूल पत्तियाँ लगाने का, फिर कभी देखेंगे फूल पत्तियाँ लगाने की. तो हाँ, मैं आप लोगों को जल्दी से एक टूर दे देती लग रहा है. मेरे को तो लग रहा है, वीडियो में भी आपको लगा हो तो प्लीज़ बताना कैसा लगा. मेरे को तो बड़ा सही लग रहा है. तो हाँ, और आपको और भी ज़्यादा सही लगेगा जब अंधेरा हो जाएगा और ये रूम में लाइट्स होंगी, बहुत अच्छा लगेगा. तो हाँ, तो अब मैं बनाने लगी हूँ रंगोली. तो क्लिप्स तो आपको मिल नहीं पाएंगी, लाइक टाइम लैप्स नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि यही फ़ोन से मैं देख के वो डिज़ाइन बनाऊँगी. तो हाँ, तो अभी बज रहे हैं 2:30 बजने वाला था 10 मिनट बाद. तो देखो कितना टाइम लगता है मैं गर्म गली बनाते. तो हाँ, तो इट इज़ लंच टाइम, 3:30 हो रहे हैं. वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है मेरा रंगोली का. मैंने आउटलाइनिंग कर ली है, कलर्स फिल करने हैं, तो 1-1.5 घंटा और लग जाएगा. थोड़ा सा बता सकती हूँ ज़्यादा मैं क्या बना रही हूँ. तो कलर्स फिल करने हैं. तो हाँ, मैं राजमा चावल पनीर और साथ में पूरियां, दिवाली स्पेशल लंच बनाया आज मम्मी ने. मेरे हालात को सब कुछ इग्नोर करो और मेरी रंगोली बन गया. और टाइम बताऊँ क्या हो रहा है, 5:50. मैं 2:30 बजे लगी थी, 2 घंटे लगे. बीच में 20 मिनट की जो खाने के ब्रेक ली थी, 2 घंटे लगे रंगोली बनाने में. मैं बताती हूँ, मेरे को तो बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है. मैं बताती हूँ,
ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। और ये मैंने बनाई है, नहीं और ना भी कौन सकता। तो कमेंट्स में बताना कैसे लगे। बाहर मैंने ये लक्ष्मी माता के पैर भी बनाए हैं, हम खरीदते नहीं हैं, मैं खुद ही बना लेती हूँ। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये मेरी रंगोली सामने बन गई है। चाय पीऊंगी मैं, फिर उसके बाद तैयार होते हैं, फिर फोटो शोटो खींचते हैं, भूमि को भी बुलाती हूँ मैं। सो आई एम रेडी फॉर दिवाली। तो ये मेरा सूट था जो मैंने मंगवाया था, एंड दिस इज माई मेकअप। कितना सुपर लग रही हूँ मैं। और मैंने जूड़ा किया जो कि खुली जा रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि मैंने बाल काट रखे हैं। तो हाँ, टाइम हो रहा है 6:30, तो आप लोगों को डेकोरेशन भी दिखाती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी मेरा फुल सूट। और हाँ, तो ये रही मम्मा। मैंने कहा था ना मेरी मम्मा का सूट थोड़ा बहुत ट्विनिंग पे जाएगा, थोड़ा बहुत ही जा रहा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं जा रहा। तो से हाय, चुन्नी तो सेट हो जाए पहले। से हाय हाय, हैप्पी दिवाली, सबको दिवाली की शुभ मुबारक। शुभकामनाएं होता है कुछ भी। अम्मी, मैं मम्मी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलो ठीक है, ओके बाय गाइस। सबकी दिवाली आपके घर में ऐसे ही खुशियाँ लाती रहे, हर साल इसी तरह खुशियाँ आती रहे, माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बरसाती रहे। चलो। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है अब यहाँ पे। से हाय हाय, बैठे हुए उदास बैठे हैं। तो मंदिर में बत्तियां जगा के हम पहुंच गए। अभी मैं गली में जा रही हूँ, गली के कुत्तों से मिलने में चले ठीक रहेगी। मेरे को चुट्टू बुलाया था, ये इतने पटाखे खा रहे हैं, वो बेचारे कांप रहे हैं, उनसे बने जाते हैं, उन्हें बिस्किट वगैरह डालते हैं। मेरे बेचारे छोटे से हैं, ऐसे बैठे हुए हैं यार, तरस आ रहा है इन पर। क्या हुआ, डर लग रहा है यार, क्या ही कर सकते हैं अभी हम, दुनिया को क्या ही बोल सकते हैं, कोई रुकतेगा तो थोड़ी ना। ये सोच रहे हैं क्या हो रहा है, क्यों होया हैं, क्यों होया क्या हुआ, कुछ नहीं होता काम प्रिया है। ये डाल देती हूँ ना, ये ब्रेव है, ये घूम रहा, खा रहा, फिर रहा, इसे कोई डर नहीं लग रहा। खा ले ये खाने लगी है, बहुत डर रही है यार ये। लोग बास नहीं आते, लोगों को क्या है, देश को चलाएंगे, सुसरियाँ चला लो, चक्करी चला लो,
हाँ जरूर चलाई हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहले लाइक हम भी नहीं चलाते थे पटाखे, चलाते थे जब हम छोटे थे, चलाते थे, कोई नहीं परवाह फंक्शन की। अब भी थोड़ी समझ लगी है वीडियोस वगैरह देख के, लोगों की थोड़े अवेयर हुए हैं कि हमारा फन है, बट दूसरों के बारे में पता सोचो है ना, वो लोग बोल नहीं सकते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग जितना चुटू कोई मार गया ठीक है, उसकी टांग में लगी हुई है, पता नहीं कैसे डंगर लोग होते हैं, स्कूटियाँ चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, ढंग से चला लो भाई। तुम्हें अपने सामने कोई कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा, तुम इतने अंधे हो चुके हो, पता नहीं कैसे लोग हैं यार। बिस्किट डाला है क्या ये कर सकते हैं, वो कांप रहा है, वो चुड्डी बहुत डरी हुई है, बहुत डरी हुई है। चुड्डू को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो घूम रहा है, खा रहा है, फिर रहा है, बैठ रहा है, पर चुड्डी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। दादू तो 8 बज रहे हैं, अब हम जाएंगे सुसरी चलाएंगे, चटकरी चलाएंगे, ऐसे पटाखे चलाओ जैसे आवाज ना। हम लोग जा रहे हैं छत पे दिया जलाने, कैंडल्स जलाने, पता नहीं मैं आ रही हूँ बकवास कर जाती। नीचे कैंडल्स लगा दी है क्योंकि यार वहाँ भी नीचे लगाई है सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है जिसकी वजह से कैंडल्स बुझी जा रही हैं, तो नीचे लगा दी क्योंकि नीचे हवा थोड़ी कम पड़ेगी ना, नीचे लगा। ओए हम तीनों के कलर्स मैच कर रहे हैं थोड़े थोड़े, व्हाट अ कोइंसिडेंस। चलो मैंने तो मम्मा को बोला था मम्मा यही सूट डालना, बट पापा को किसी ने भी नहीं बोला था कि ये वाली शर्ट पहनना। ओहो पापा समझते हैं। अब मैं थक चुकी हूँ, टाइम हो रहा है 9:30 और मैं वीडियो चाहे वो दिन चल गए जब मेरे को दिन में सिर्फ एक बारी चाय भी मिलती थी, क्योंकि मैंने दवाई छोड़ दी, फिर डाइट भी छोड़ दी, वो वाली जो थी कि दूध चाय फलान टी कुछ भी नहीं पीना। मैंने कहा जान दो यार, थोड़े फिंसियाँ तो मेरी तब भी निकल रही है, कितना पैसा लगा दिया तो फिर भी रहने दो। तो अब मैं थक चुकी हूँ, खाना वगैरह खा लिया, दिखाया नहीं मैंने भाई, तो पहले राजमा चावल खाए हैं, बार ठा छू चल रहा, सिर दर्द होने लग पड़नी है मेरी। अब मैंने थोड़े बहुत कपड़े चेंज कर लिए, बर्तन साफ कर लिए, अभी जाते हैं ऊपर पटाखे डालने, पटाखे चलाने। तो फिर मैंने कहा मेरा नया सूट है, ऐसे कोई चिंगारी चुंगारे लग गए तो फिटे वो, तो मैंने तो रो पढ़ना था, मेरा न्यू सूट है वो मैंने आज ही पहना, मम्मा लेके दिया, मम्मा लेके कह लो बर्थडे कह लो जो मर्जी कह लो। ओनली पटाखे वी गॉट दिस फूल झड़ी, हम लोग पंजाबी में दूसरी बोलते हैं, ये वो चक्करी, इस ये जब चलती है ना फिर इस पर डांस करने का क्या नज़ारे। और ये अनार, और ये तीनों शूटा वाले नहीं है, लाइक फन करना है बिना शूटा वाले पटाखों से भी कर सकते हो, तो हाँ चलो चलाते हैं। Only 2 पटाखे I love is this सुसरी को क्या बोलते हैं, हाँ फुलझड़ी एंड और नहीं बैठा गया ऊपर, क्योंकि इतनी आवाज है ना पटाखों की मेरे कान ही नहीं, मेरे को सुनाई दे रहा है ऐसा लग रहा है, और ऊपर से दूसरा पोल्यूशन, गला खराब हो जाना मेरा, पिछले साल भी हो ही गया था मेरा, तो टाइम हो रहा है 10:15। तो हाँ तो यही था दिवाली का ब्लॉग, थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, मेरी कुछ बातें आपको इस टाइम शायद बुरी लगे हो, बट प्लीज़ उन बातों को सोचना, पटाखे चलाना इज़ ओके, क्योंकि फन मिठाइयाँ खा के, फोटोज़ क्लिक करके, वीडियोज़ बना के, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके भी मनाया जा सकता है। पटाखे चलो चलाने भी है, वो वाले चलाओ लाइक आवाज़ ना हो जिससे, क्योंकि अगर
हमको देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हमारे कान फट रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। हम ऐसे पटाखे मत लाओ कि तुम तुम्हें भी जिससे प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने देखा कई लोग ऐसे शूट वाले पटाखे जो हाय बढ़िया आवाज़ है बढ़िया आवाज़ है, लाए क्यों हो यार, क्यों लाए हो, मत लेके आओ ना, प्लीज़ मत किया करो। हाँ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं अभी इतनी बड़ी भी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को ज्ञान दूँ, लोग मेरे को ये भी बोल सकते हैं, दी थिंग इस बात को समझो। और हाँ वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, आप सारे लोग खुश रहो, हंसते रहो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मिठाइयाँ खाओ, और हाँ तो ठीक है फिर बाय।